तियारी हे गला नरम नरम मंडा पिठा मुसमुसिया काकेरा आहा के मिठा ना चाउल को बतुरेबा ना चाउल को बाटीबा ना चाउल को गुंड करबा किछि नाही झिन झट मंडा पिठा हे जीवा चटापट। दर्शक बंधु समस्तंकु मोर विनम्र दंडवत मा गेलु पाकशाला को समस्तंकु बहुत बहुत स्वागत। दर्शक बंधु प्रणाम समस्तंकु बहुत बहुत स्वागत। आज आमे प्रस्तुत करिबा बिना चावल रे पूरा पूरे कौलिया मंडा पिठा पूरा पूरे शॉर्टकट मेथड रे माने मात्र 15 मिनट भीतर आमे काकेरा पिठा और मंडा पिठा प्रस्तुत करिबा। जेहेतु मानवसा घड़ी चली आपण माने 10 प्रकार रो पिठा केमिति मात्र 35 मिनट भीतर प्रस्तुत करिपरिबे तार लिंक अछि डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आपण माने देखंतु। आउ ता सहित बिना जंती के मात्र 25 मिनट भीतर आउ गोटे वीडियो मध्ये अछि ताको मध्ये देखंतु। आपण मानको सेई दुइटे वीडियो बहुत काम रे लागिवो। एबे आसंतु आज रो प्रस्तुति आरंभ करिबा। प्रथमे आमे देखिदबा आमे जो पूर प्रस्तुत करिबा सेथिपई हमको कोन कोन सामग्री दरकार। प्रथमे आमे नेइचू जेतु आमे नडिया छेना पूर प्रस्तुत करिबा आमे नेइचू गोटे नडिया ता सहित खीर अध लिटर लेंबू गोटे गुड़ आ गोटे आमे मसला गुंड देबा सेथिपई आमे नेइचू 4टा गुजराती गोलमरीच गोटे छोट चमच बा 10-12टी अदा गोटे छोट खंड एतिक सब सामग्री को लेके आमे प्रस्तुत करिबा गोटे पूर नड़िया छेनार पूर। आज आम मंडा प्रस्तुत करिबा बिना चावल रे तेबे आसंत देखिबा बिना चावल रे आम केमिति मंडा प्रस्तुत करिपरिबा। आम से नवा सुजी एठे आम गोटे ग्लास सुजी नवा ए गोटे ग्लास सुजी रे आम प्रस्तुत करिबा मंडा पिठा सहित काकरा पिठा। ता सहित आम नेइचु स्वाद अनुसार लुण 2 बड़ चामच चीनी आउ घी आमे जो 3 प्रकार रो मसला लेचे गोटा मसला गुजराती गोलमरीच अदा आकु आमे दरदर गुंड कर देबा। एबे नडिया कुरा तो प्रस्तुत हो जाइछि एबे चालंतु तापर प्रस्तुति आरंभ करिबा। आमे जो अध लिटर खीर नैथिले ताकु एबे चूल्हा रे बसै देबा आ भलो भाबरे फुटिबा पर्यंत छाडी देबा। बंधु खीर भलो भाबरे फुटि गलाणी एबे आमे लेंबुर रस चुपुडी केथरे देबा। एबे आमर छेना प्रस्तुत हो जाइछि एबे छेना को बाहर कर देबा छेना पानी रु आउ ताको टिके साधा पानी रे धोई देबा। जेहेतु आमे शॉर्टकट मेथड रे मात्र 15 मिनट भीतर प्रस्तुत करिबा एका संग रे मंडा पिठा आ काकरा पिठा सेथि पई आमे गैस रो जो 2टा चूल्हा अछि प्रथमे गोटे चूल्हा रे बसै देबा गोटे हांडी आउ सेकंड चूल्हा रे आमे बसै देबा कढ़ई। एबे आमे कढ़ई रे पूर प्रस्तुत करिबा आउ एपटे मंडा आउ काकरा पई जंतणी मध्ये प्रस्तुत करिबा 8 टाइम तेबे आमे मीडियम फ्लेम रे रखिबा हांडी आउ कढ़ई को। जेहेतु आमे गोटे ग्लास नै चंती सूजी एथिरे आमे 2 ग्लास दबा पानी जेतिके सूजी नेबे तार डबल नेबे पानी। एबे आमे को फुटिबा को छाड़ी दबा मीडियम फ्लेम रे ये गोटे मिनिट रे मीडियम फ्लेम रे भलो भाबरे फुटी जिवो। आउ सेपटे आमे नड़िया पूरा प्रस्तुत करिबा प्रथमे आमे कढ़ई रे दबा छेना और आमे दबा नड़िया मीडियम फ्लेम रे आमे गोटे मिनिट पई ताको टिके भाजी दबा। देखंतु नड़िया और छेना टिके बादामी रंग हो गलानी एबे आमे गुड़ पकेबा तापरे आरो चूल्हा रे आमे जो बसैथिले ताको चेक करिबा। देखंतु मीडियम फ्लेम रे गोटे मिनिट परे पानी भलो भाबरे फुटिबा को लागलानी। एबे आमे कोन करिबा ना आमे एथिरे दे दबा स्वाद अनुसार लुण गोटे बड़ चामच देसी घी आमे जो नहीं थिले 2 बड़ चामच चीनी ताकु मध्य उठी दे दबा। एबे ताको भलो भाबरे मिसै दबा। एबे आमे फ्लेम को पूरा लो कर दबा तापरे सूजी पकेबा और जत्ते बेले सूजी पकेबा अल्प अल्प करके पकेबा 8 टाइम एका थरे के पकेइ देबानी नचेत कोन होबो ना बिंडा धर दबो। एबे आमे अल्प टिके टिके पकेबा आ गोड़ौथिबा आउ फ्लेम पूरा लो ही रखी थे। देखंतु पूरा धीरे धीरे अल्प अल्प करके पकेबे आ गोड़ौथिबे। भल भाव जिते बड़े सुजी पानी सहित मिसी जीव टिक
टिके मीडियम फ्लेम कर देबे। देखंतु सूजी जेतेबेले पानी सहित मिसिकी डो फॉर्म आसी जीवो तापर आपण माने पूरा पूरी लो फ्लेम कर देबे गोटे मिनिट पई एमिति मात्र 2 मिनिट समय भितरे आमर प्रस्तुत हे जीवो जंतणी माने प्रथमे गोटे मिनिट पानी आमर फुटिबो भल भाबरे तापरे आमे फ्लेम को लो करिकी आमे देई देबा जो सूजी तापर एमिति जेतेबेले गोटे डो फॉर्म हे जीवो बेसी ताको सुखिला करबेनी नचेत आम जो जंतणी बहुत टाण होमती हालका नरम थी आपण मैंने गैस फ्लेम को ऑफ कर करदे माने टोटल 3 मिनिट समय भितर आमर जंतणी प्रस्तुत होमती कर सारापर एवं गैस देखु एवं पूरा भी सुखनी एमती टिके थी नरम पाग थी आम कौन करवा ना गैस फ्लेम को ऑफ करदे आोड़े कि रखिदे एमिती कले आमर भितर जो बांफ थिबो सेथिरे आमर जंतणी भल भाबरे सिझि जिवो आमे जो जंतणी प्रस्तुत करबा एमिती जदि करबा तले आमर पिठा बहुत नरम हबो सेपटे आमे पूर प्रस्तुत करूथिले चालंतु आमे गुड़ पके कि ताको भल भाबरे मिसै दबो। गुड़ भल भाबरे मिसै गला परे आमर पूर एबे प्रस्तुत हे जाइछि एबे ओल्हेला बेलू आम जो मसला गुंड छेचिक रखी दरदर गुंड करी पकईदे देखु आमर प्रस्तुत हो गला छेना नड़िया पूर आमर टोटाल 3 मिनिट भितर प्रस्तुत हो जाए जंतणी सहित नड़िया पूर एवं 5-7 मिनिट हो गला देखु एबर जंतणी बहुत गरम अच्छी एवं गोटे थाली को बाहर करदे सूजी जंतणी की जदि बेसी अधिक समय जंति देवे सूजी जंतणी टाण हो जहाँफल कि पिठा आमर से नरम हेनी देखु के नरम अच्छी आमर ये डोटी आमर ये जंतणीटी के नरम अच्छी एमती आपण मैंने प्रस्तुत करूँ जंतणी आपणकर पिठा बहुत नरम हम एवं आम थाली को बाहर करदे आंतणी को हालाका गरम थी अवस्था आम टे चकटी देवा पूरा स्मूथ करके आम गोटे डो प्रस्तुत करदे देखु आमर के सुंदर स्मूथ डो प्रस्तुत हो जाए आम योरु प्रस्तुत करवा काकेरा पिठा आउ मंडा पिठा एमती आम गोटे बॉल सेप नवा ताको गोटे गिना सेप दबा देखु एमती गिना सेप दे सारापर आम जो नड़िया पूर प्रस्तुत करें से नड़िया पूर को ये दबा भल भाव पूर फुल करके दबा तापर आम कवर करदे शेषर देखु ये जो छोट पट्टा बाहर करदे तापर ताको मिसाई देवा मंडा पिठा पाई आम एमती राउंड सेप तैयारी करवा देखु आम मंडा पिठा प्रस्तुत करने एमती राउंड सेप करके प्रस्तुत कर देचे बा गढ़ी देचे तापर काकेरा पिठा गढ़ा काकेरा पिठा गढ़ापी आम सेमती गोटे बॉल सेप नहीं जीवा तापर ताको एमती गोटे गिना सेप देदे पूर आम येदे कभर करके आमे आपको राउंड सेप दबानी काकेरा पिठा को टिके चेप्टा करवा मंडा पिठा को पूरा राउंड सेप दे देबा और काकेरा पिठा को टिके चेप्टा करके आमे गढ़ेबा हल्का प्रेस कर देबा देखंतु आपण माने चाहिले साइज रे बड़ काकेरा मध्ये करि परिबे देखंतु आमे बे काकेरा पिठा सब गढ़ी देइचे आ सहित मंडा पिठा मध्य गढ़ी देचे एवं आम आट ए टाइम करवा मंडा पिठा सहित काकेरा पिठा देखु आम जो गैस दीटा चूला गोटे चूल में बसईदे गोटे कड़े छाणीपाई आम काकेरा पिठा को से आम देसी घी दबा कड़े आपट चूल में आम बसईवा कि रखिंट मंडा ताको सीझेपाई आम दबा पा एबे हमें कड़ी को मीडियम फ्लेम रे बसई देबा आ ता भीतर एमिति गोटे गिना दे देबा आपण माने चाहिले स्टैंड मध्ये रखि परिबे तापर आम मंडा पिठा सिझेबा पई एमिति गोटे थाली नबा आ सेथिरे टिके देसी घी लगे देबा आम जो मंडा पिठा गढ़ीथिले से मंडा पिठा सब को आम एठी दे देबा
ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଥାଳି ତା ଉପରେ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଏମିତି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 7-8 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏପଟେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସେଇଦେବା କଡ଼େଇ ଆଉ ଦେଶୀ ଘିଅ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଘିଅ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସୁଜି କାକରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଗଢ଼ିକି ଆମେ ଏବେ ଛାଣିଦେବା। କାକରା ପିଠା ଛାଣିଲା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ଦେବେନି, ପୋଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଭିତରୁ କଞ୍ଚା ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ଦେଇଦେବେ ସୁଜି କାକରା କ'ଣ କରିବ ନା ସବୁ ଘିଅ ଟାଣିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କାକରା ସବୁକୁ ଛାଣିବା। ତାକୁ ଟିକିଏ ହାଲକା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଓଲଟେଇଦେବା। ଆଉ କାକରା ପିଠା ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ବିଲକୁଲ ଚଟୁ କିମ୍ବା ପିଠା ଖଡ଼ିକା ଲଗାଇବାନି ବା ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିବାନି। 1.5-2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ କାକରା ପିଠାକୁ ଓଲଟେଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଚଟୁ କିମ୍ବା ପିଠା ଖଡ଼ିକା ଲଗାଇବେନି ପିଠା ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଟ୍ ହୋଇଯିବ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଓଲଟେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କାକରା ପିଠାକୁ ଓଲଟେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କାକରା ପିଠାକୁ ଓଲଟେଇଦେବା ଆଉ ଆର ପଟଟି ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କାକରା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା। ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ ସେପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମଣ୍ଡା ପିଠା ସିଝିଲାଣି ନା ନାହିଁ। ମଣ୍ଡା ପିଠା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏଇ ମଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ପୁରା ପୁରି ନରମ, ପାଟିରେ ପକାଇଲେ ମିଳେଇଗଲା ପରି ନରମ ମଣ୍ଡା ପିଠା ବିନା ଚାଉଳରେ। ଦେଖିଲେ ତ ଆମେ କେତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସର୍ଟକଟ୍ ମେଥଡ଼ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏକାଥରକେ ଗୋଟେ ଡୋରେ ମଣ୍ଡା ପିଠାକୁ କାକରା ପିଠା। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସର୍ଟକଟ୍ ମେଥଡ଼ରେ ସବୁ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସହିତ ସେୟାର ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।